कल्याण, आप इतनी धुलाई करते हुए नजर आते हैं अपोजिशन पार्टी की, ऐसी क्या वजह है कि आप उनको सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ खान को सपोर्ट? तुम लोगों ने अगर किसी को हाथ लगाया दोबारा तो फिर हम तुम लोगों, अभी तो मैं माइक में कह रहा हूँ, फिर तुम लोगों को आके मैंने मुंह तोड़ जवाब दे भाई, तुम लोग हो अभी हमारे बच्चे, तुम लोग इमरान खान से, तुम्हारा बाप है, तुम लोग अपने बाप से लड़ने की बात करते हो, तुम लोग हमसे तो लड़ सकते हो नहीं। मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस में देखे कि आप पुराना सोनू की मूछों के बारे में बड़ी गुफ्तगू करते हैं, मूछें आपको इतनी बुरी क्यों लगती है? एक तो उसने खड़ूस ने इतनी लंबी मूछें रखी हुई हैं, दाढ़ी वो रखता नहीं है, मूछें उसने रखी हैं, उसकी मैंने मूछें ऐसी पकड़नी है, ऐसे नोच के ऐसे खींचनी। मरियम नवाज कहती है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान की जूते जो पॉलिश करती है वो भी नहीं लगती, वो बेटी क्या? लास्ट वार्निंग, तमीज में रहो, जितनी तुम्हारी औकात है उतनी में रहो, वरना तुम्हारे गाड़ के रख देंगे जमीन के अंदर तुम्हें। शरीफ ये है, डॉगी है ये, मरियम नवाज चूही है, ये चूही जो है ना ये बहुत है, गंदी वाली चूही है। इन्हें पैर पे गोलियां मारी है, मेरा दिल करता है इनका सर खोल के इनको गोली। और खान साहब आई लव यू, आप हमारे दिलों में हैं और आप हमारे दिलों में रहेंगे, ये मिल के हैं ये, और इंशाल्लाह हमारे साथ जो है पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी है वो भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा मौजूद है जो देखने में तो नन्ना सा लग रहा है लेकिन बातें इसकी ऐसी हैं कि बड़ों बड़ों के जो है वो कान खड़े के खड़े रहते हैं जी। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो पीटीआई के एक ऐसे लवर के साथ मौजूद हूँ जो ओपोजिशन की जो जितनी भी पोलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं उनकी जो है वो इतनी करते हैं कि शायद वो अगर सुन लें तो कानों को हाथ लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है प्यारा? मेरा नाम अलियान। अलियान, आप इतनी धुलाई करते हुए नजर आते हैं अपोजिशन पार्टी की, ऐसी क्या वजह है कि आप उनको सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ खान को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि खान सच्चा बंदा है, ना झुकता है ना बिकता है, और ये जितनी भी जरदारी हैं इनको मैं कहता हूँ भाई टिक जाओ वरना हम बहुत गंदा हशर करेंगे और इनको हम बहुत गंदी सजा देंगे। इमरान खान से लड़ने की बात करते हैं, हमसे लड़ सकते नहीं है, इमरान खान का बाप है रहेगा और ये चोर हैं चोर होंगे। मरियम नवाज कहती है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान की जूते जो पॉलिश करती है वो भी नहीं लगती, वो बेटी क्या होगी वो? और इनको मैं कहता हूँ ये गरीबों मतलब बहुत जुल्म करते हैं, इनको मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ जरदारी, तुम लोगों ने अरशद शरीफ को तो मार लिया, और इनको मैं कह रहा हूँ कि भाई इस तरह ना करो, अब जो तुम लोगों ने प्लान बनाया किसी और को मारने का ना करो। इमरान खान ने अगर अपने ऑर्डर दे दिया तो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती तो आप इनका क्या हशर करते? इनका अगर मुझे पता होता ना इन्हें ऐसे होना, अगर मैंने फ्यूचर आगे का देखा होता इनको, मैं पहले से ही ना इनको मैं रोड पे भेज देता, इनको मैं टैक्स लगा देता, इनको मैं इतना मारता। जबरदस्त हो गया। जब खान को गोलियां लगी तो आपके दिल में क्या आया कि मैं क्या करूं अपोजिशन? इन्हें पैर पे गोलियां मारी है, मेरा दिल करता है इनका सर खोल के इनको गोलियां मारूं, मुझे इतना दिल कर रहा था। खान की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? उसके दो लफ्ज है, ना झुकने देंगे ना बिकने देंगे। और खान साहब आई लव यू, आप हमारे दिलों में हैं और आप हमारे दिलों में रहेंगे। आप जो है वो राना सनाउला कितनी धुलाई करते हैं, कौन से वॉशिंग पाउडर से करते हैं? मैं सरफ से उसको सही तरह धोता हूँ। धोते हैं कैसे, कौन सा सरफ है आप जरा इस्तेमाल करके दिखा? उसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ब्रश पकड़ता हूँ, पहले उसको मारता हूँ सही तरह। अच्छा। फिर उसको ब्रश करके धोता हूँ। अच्छा। क्या कहेंगे उसको वो जब ब्रश आप कर रहे होते हैं, आपके जेन में क्या सोच आ रही होती? मैं कहता हूँ यार बिला वजह अपने ये लोग लड़ाई करते हैं, हमसे पंगा लेते हैं, हम मासूम लोग हैं सारे, कुछ कहते हैं इनको नहीं है ठीक है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ ये कि कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान जो है अच्छा लीडर है, इमरान खान जो है ये इमरान खान का मतलब पीटीआई का है और ये इस्लाम है, तो ये पीटीआई इस्लाम अलग अलग नहीं है, ये मिल के हैं ये, और इंशाल्लाह हमारे साथ जो है पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छी है वो भी है, अल्लाह ताला भी हमारे साथ है और बाकी सब भी हमारे साथ है। नवाज शरीफ ये है, डॉगी है ये, मरी नवाज चूही है, ये चूही जो है ना ये बहुत है, ये गंदी वाली चूही है। राना सनाउल्लाह की तो मेरा दिल करता है उसको मैं इतना मतलब मूछे पकड़ के उसके मैं जेल में भेजूं, और इनके अंदर हिम्मत नहीं है, लंदन में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं ये लोग, आते हैं नहीं, जैसे इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा है वैसे ये लोग लॉन्ग मार्च करें भाई, लड़ाई क्या करने की जरूरत है जो तुम लोग फायरिंग करके कत्ल कर रहे हो? तुम लोग चुपचाप माइक में बोल दो कि भाई ये है ये नहीं है, पीछे पीछे से तुम लोग इमरान खान को लड़ाई करते हो ठीक है, आगे से तुम लोग लड़ सकते नहीं हो, हमारे से तुम लोग आगे से लड़ सकते नहीं हो, पीठ पीछे से तुम लोग बातें बड़ी करते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वो कहना चाहता हूँ, आगे से बात करो ना, तुम लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना हमने कुत्तों इंसानों, हमसे लड़ो ना, क्या अब तुम्हारी हवा डरती है? तुम लोग फटते हो हमसे, डरती है तुम्हारी,
तुम लोग हमसे लड़ सकते नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें तुम लोग करते रहते हो कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, अल्लाह ताला हमारा साथ है, हम लोग तुम्हें चूरा करके रख देंगे चीनी की तरह। तुम लोग भाई अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारे साथ है अल्लाह ताला, तुम्हारे साथ नहीं है, चोरों के साथ अल्लाह ताला नहीं है, मुसलमानों के साथ है, अच्छे बंदों के साथ है। चोरों कमीनों कुत्तों हमसे लड़के दिखा दो, ठीक है, या फिर हमसे माफी मांगो, या फिर हाँ हम चोर हैं, एक दफा कह दो कि हम चोर हैं, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, हम सिर्फ माइक में कहते हैं कि भाई हम आपके साथ बात नहीं करते, हम ये करते हैं वो करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन हम बिला वजह पंगा नहीं लेते। और तुम लोगों ने अगर किसी को हाथ लगाया दोबारा तो फिर हम तुम लोगों, अभी तो मैं माइक में कह रहा हूँ, फिर तुम लोगों को आके मैंने मुंह तोड़ जवाब देना है। बस हमसे तुम लोग बिला वजह लड़ाई ना करो, अगर लड़ाई करने की कोशिश है तो तुम लोग हम लोग इतना मारेंगे ना तुम लोगों को। मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस में देखे कि आप पुराने सवालों की मूछों के बारे में बड़ी गुफ्तगू करते हैं, मूछें आपको इतनी बुरी क्यों लगती है? एक तो उसने खड़ूस ने इतनी लंबी मूछें रखी हुई हैं, दाढ़ी वो रखता नहीं है, मूछें उसने रखी हैं, उसकी मैंने मूछें ऐसी पकड़नी है, ऐसे नोच के ऐसे खींचनी है, यहाँ से उसके मैंने खून निकाल देना, उसकी खाल उतार देनी है मैंने मूछों से। लोग तुम्हारे घर के घुस के तुम्हें वाड़ के मारेंगे वो लोग, तुम लोग अर्शद शरीफ की सर पे गोली मारी है ना, वो तुम्हारे सर पे दो तीन गोलियां मारेंगे, तुम्हें इतनी गंदी मौत सजा देंगे, तुम्हें चूहे बिल्ली की मौत की सजा देंगे वो लोग। तुम लोग हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किए, तुम छीन लो हमारे पाकिस्तान को हमसे, लेकिन तुम लोग छीन रहे हो तो अपने ख्वाबों के अंदर, असल में तुम लोग की हवा फटती है, तुम लोग हमसे डरते हो, असल के अंदर आते हो नहीं, लॉन्ग मार्च अपना शुरू करते हो नहीं। जबरदस्त हो गया। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मैं कहता हूँ अच्छा बनो, बुरा ना बनो, इस्लाम की तरफ जाओ, गंदी बुराई की तरफ ना जाओ। अलियान, लास्ट में आप देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ ये जो चैनल है आप इसको मशहूर करें, इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हम चारों भाइयों से मिलें, हम चार भाई मिलकर तीन रोटियाँ खाएँ, और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओ, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप पर दादा का मुल्क है जो तुम लोग पूरा मुल्क खा रहे हो, सुधर जाओ, हम कुछ भी नहीं करेंगे, किसी और को तकलीफ ना पहुंचाओ, माफ़ी मांग लो, लास्ट वार्निंग, तमीज़ में रहो, जितनी तुम्हारी औकात है उतनी में रहो, वरना तुम्हारे गाड़ के रख देंगे ज़मीन के अंदर तुम्हें, ठीक है। देख सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से लास्ट वार्निंग दे रहे हो। ओपोजिशन टीम को इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इसका ये कहना है कि ये जी जितने नूली की ये बैठे हुए हैं सारे के सारे चोर हैं, जरदारी चोर है, ये बच्चे की जो है वो तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ जो है वो आपने ये भी देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में कितना शौर है, ये सब खान साहब ने जो है वो बच्चों में उजागर कर दिया, सबको इतना नॉलेज है एंड ऑब्जर्वेशन बढ़ती जा रही है। इसका ये कहना है कि हर लॉन्ग मार्च को अटेंड करते हैं, इमरान खान साहब को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो एक बहुत अच्छा लीडर है और बाकी सारे के सारे चोर हैं, ये एक बच्चे का कहना है। और बड़ी आवाम तो आपको पता है बड़ी बड़ी है पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का बयान दे रही है, लेकिन बच्चे किसी से कम नहीं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बच्चे के साथ एक दफा फिर हम लोग हाजिर जरूर होंगे, इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और नेशनल पॉइंट को देखते रहिए। अल्लाह ने